17.8 कांच ग्लास। कांच सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण है। यह एक अक्रिस्टलीय, कठोर, भंगुर, पारदर्शी, आभासी ठोस होता है। वास्तव में कांच एक अति शीतलित द्रव है जिसमें बहने का गुण होते हुए भी ठोस दिखाई देता है। कांच का सामान्य सूत्र है Xr2O (YMO)(6SiO2), जहां R एक संयोजक क्षार धातु सोडियम पोटेशियम आदि होता है, M द्विसंयोजी धातु जैसे बेरियम कैल्शियम लेड जिंक आदि होता है, और X और Y अणुओं की संख्या दर्शाते हैं। कांच में ब्लोइंग का आविष्कार पहली शताब्दी में यूरोप में हुआ था, जिसने कांच के औद्योगिक निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अगले 1000 सालों में यह संसार के सभी देशों में अपनाई गई। कांच का औद्योगिक निर्माण कुछ पदों में संपन्न होता है। ये पद हैं पिघलना, पिघले कांच की कार्यविधि, तापानुशीतन, परिष्करण। पिघलना, कच्चे पदार्थ जैसे रेत, सोडा, ऐश तथा चूना पत्थर को मिलाकर पाउडर बनाया जाता है। इस मिश्रण को बैच कहते हैं। इस बैच में कांच के टुकड़े, जिन्हें कलेर कहा जाता है, के साथ गर्म किया जाता है। इस मिश्रण को भट्टियों में भेजा जाता है। भट्टियां दो प्रकार की होती हैं, पॉट भट्टी तथा टैंक भट्टी। पॉट भट्टी, पिघले हुए मिश्रण को पॉट भट्टी में भेजा जाता है, जिसका ताप 2100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कांच बनाने वाले स्टील की बनी ब्लो पाइप का उपयोग पिघले कांच को एकत्र करने के लिए करते हैं। इस ब्लो पाइप के सिरे को इस मिश्रण में डुबाकर घुमाया जाता है। इसके पश्चात इसे विभिन्न आकार के सांचों में ढालकर ठंडा किया जाता है। टैंक भट्टी, बैच को टैंक भट्टी में पिघलाया जाता है। यहाँ भट्टी को गर्म करने के लिए प्रोड्यूसर गैस तथा वायु के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यह भट्टी ताप के पुनर्योजी सिद्धांत पर कार्य करती है। ईंधन गैसों तथा हवा के मिश्रण को अग्नि सह ईंटों से बनी ए और बी भट्टियों में भेजा जाता है। ये गैसें भट्टी के पलड़े की दीवार से टकराकर घूमती हैं, जिससे बैच पिघल जाता है। गर्म गैसों का मिश्रण अग्नि सह ईंटों से बनी भट्टियों सी तथा डी से निकल जाता है। इसके बाद गैसों के मार्ग को पुनः परिवर्तित कर दिया जाता है। सी तथा डी से गर्म अपशिष्ट गैसें पुनः भट्टी में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार अपशिष्ट गैसों का फिर से उपयोग हो जाता है। गलन की क्रिया के समय निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो वाष्पित हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर सोडियम सिलिकेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो वाष्पित हो जाती है। गर्म करने की प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाती है जब तक पिघले कांच से वायु के बुलबुले पूरी तरीके से बाहर न निकल जाएं। पिघले कांच पर की जाने वाली क्रिया, पिघले कांच को विभिन्न आकार की वस्तुओं में ढालने के लिए उसे बहाकर रोलर्स के मध्य दबाया जाता है। तापानुशीतन में कांच के बर्तनों को धीरे धीरे कमरे के तापक्रम तक ठंडा किया जाता है। यदि उन्हें अचानक ठंडा किया जाता है तो वे टूट जाते हैं। अधिक देर तक तापानुशीतन की प्रक्रिया किए जाने पर उच्च गुणवत्ता वाला कांच प्राप्त होता है। सेवेंटीन पॉइंट एट पॉइंट वन कांच का उत्पादन, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। कांच के उत्पादन में उपयोगी विभिन्न पदार्थ निम्नलिखित हैं। पहला सिलिका रेत के रूप में, दूसरा क्षार धातु सोडियम कार्बोनेट या कार्बन मिश्रित सॉल्ट केक (Na2SO4+C) या पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में, तीसरा द्विसंयोजक धातु कैल्शियम चूने के पत्थर के रूप में,
लेड लिथार्ज PbO या सिंदूर Pb3O4 के रूप में। चौथा, ऑक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ विरंजक मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 या सोडियम नाइट्रेट NaNO3। पांचवा, कलेट कांच के टूटे हुए टुकड़े। छठवां, रंग प्रदान करने वाले पदार्थ कांच को रंग प्रदान करने के लिए विभिन्न यौगिकों का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ इस प्रकार हैं। साधारण कांच या सोडा कांच बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और रेत को उचित अनुपात में मिलाकर बारीक पीस लिया जाता है। अब इस मिश्रण में कलेट मिला दिया जाता है। कलेट गालक फ्लक्स का कार्य करता है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण बैच कहलाता है। इस मिश्रण को टैंक भट्टी में चित्रानुसार लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। भट्टी में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। Na2CO3 plus SiO2 is equal to Na2SiO3 plus CO2 gas. CaCO3 plus SiO2 is equal to CaSiO3 plus CO2 gas. Na2SiO3 plus CaSiO3 plus 4SiO2 is equal to Na2O into CaO into 6SiO2 कांच। इस पिघले हुए कांच से अनुभवी कारीगर ब्लोवर या फूंकनी की सहायता से इच्छित आकार की वस्तुएं बनाते हैं। आजकल यह काम बड़े बड़े कारखानों में सांचे में ढालकर मशीनों की सहायता से कम समय और कम लागत में किया जाता है। कांच की वस्तुओं को बनाते समय अचानक ठंडा करने पर वे टूट जाती हैं, इसलिए टूटने से बचाने के लिए इन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को तापानुशीतन एनीलिंग कहते हैं।